करम डैम मामले में कार्रवाई के बाद भी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। करम डैम मामले में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने के निर्देश पर एक बड़ी कार्रवाई हुई है। दो कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। वहीं 8 अधिकारियों को निलंबन के साथ ही उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। आपको बता दें, पूर्व सीएम कमलनाथ ने निशाना साधते हुए कहा था कि सरकार ने करम डैम की गंभीर घटना में कार्रवाई के नाम पर महज खाना पूर्ति कर छोटे लोगों को निपटाने का काम किया है, जबकि इसमें प्रभावी कार्रवाई नहीं की गई है। वहीं कांग्रेस के आरोप पर जल संसाधन मंत्री तुलसी सिलावट ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस आपदा के समय भी राजनीति कर रही है। कारम डैम फूटा नहीं है, कारम डैम निर्माणाधीन डैम है। जैसे ही 11 तारीख को डैम में लीकेज की जानकारी लगी तो सीएम शिवराज सिंह चौहान के निर्देश पर वहां के स्थानीय विधायक, मंत्री और मैं खुद डैम पर पहुंच गया था। हमने पल पल की अपडेट सीएम को दी थी। उन्होंने कहा कि इस मामले में कार्रवाई की है, दो कंपनियों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है, साथ ही इसे लेकर एसी से लेकर बड़े बड़े अफसरों सहित 8 लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की गई है। कारम डैम निर्माणाधीन डैम था, एक सिपेज की बात जब मुख्यमंत्री के संज्ञान में आई 11 तारीख के रात को, उन्होंने साला आला अफसर सारे अधिकारी वहाँ भेजे। 12 तारीख को मैं स्वयं उस जिले के मंत्री राजवर्धन जी और 13 तारीख को प्रभारी मंत्री, हर पल की, हर क्षण की, हर घंटे की समीक्षा सम्माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे थे और हमने तुरंत दो एजेंसियों को ब्लैक लिस्ट किया। आज सी से लेकर, एसी से लेकर, ई से लेकर, एसडीओ से लेकर हमने 8 लोगों पर निलंबित किया। बड़ी कार्रवाई हमने की है।